इस गाड़ी का रिव्यू करने के ना बहुत से रीजंस है। इसको ना लोग सीधे सीधे जो है थार के साथ कंपेयर करते हैं। एलॉय प्लस टायर्स की जो कॉस्ट है वो लगभग की ये गाड़ी पूरी खुल जाती है। वो खुलती है सिर्फ ये आपको दिख गया, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं। ये एक चीज है स्वे बार, स्वे बार डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से इसका इंजन उतना पावरफुल नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, जैसा कल की वीडियो में आपको पता चल ही गया था कि मैंने कहा था कि रैंगलर का हम रिव्यू है वो करने वाले। ये आपको हमारे सामने दिख रही है जीप रैंगलर रूबीकॉन। इस गाड़ी का रिव्यू करने के ना बहुत से रीजंस हैं। पहला रीजन तो क्या है कि ये हमारे ऑफ रोड में सबसे प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है। दूसरा ये है कि इसको ना लोग सीधे सीधे जो है थार के साथ कंपेयर करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूँ। और उसके बाद एक और चीज जो सबसे ज्यादा मेरे ऑफ रोड की वीडियोस पे मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि जब ये गाड़ी फंसती है ना लोगों के नीचे कमेंट आते हैं कि नहीं भाई ये गाड़ी कैसे फंस सकती है। तो भाई ये है एक गाड़ी ही है। तो पहले मैं गाड़ी का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये गाड़ी ब्लैक कलर में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मतलब रोड प्रेजेंस के मामले में अगर हम बात करें ना तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर रोड प्रेजेंस आपको किसी भी गाड़ी में मिलने वाला है। और ये गाड़ी बिल्कुल स्टॉक भी नहीं है, ये मॉडिफिकेशंस हो रखी है, आपको दिख ही रहा है टायर्स इसके चेंज है, बंपर वगैरह चेंज है। अपने गाड़ी की अगर हम फ्रंट लुक से बात करें, मतलब ये वाली ग्रिल जो है वो थार में कॉपी करके लगाई जाती है, बट ये इसकी ओरिजिनल वाली ग्रिल है और डिजाइन आप इसका देख रहे हो। उसके बाद अगर आप इसकी लाइट्स देखो ना तो ये इसकी ओरिजिनल लाइट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो, अगर आपको पढ़ा जा रहा है जीप परफॉर्मेंस एलईडी, तो ये भी इसकी ओरिजिनल लाइट्स हैं। बम्पर आपको जो है ये चेंज किया गया है, विंच लगी है माइल मार्कर की, ये सिंथेटिक वाली विंच है। आप देख रहे हो साइड पे इसके फेंडर्स, तो फाइबर के फेंडर्स आते हैं, प्लस उसमें लाइट्स और इंडिकेटर का हमें ऑप्शन मिल जाता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस गाड़ी के टायर्स जो की है फ्यूल के ओरिजिनल एलॉय प्लस टायर्स की जो कॉस्ट है वो लगभग 3.5 लाख रुपए है। 70 लाख की गाड़ी है तो सब कुछ ओरिजिनल ही होगा इसमें। जैसे टायर देखो प्रोफाइल से बाहर आता है ना तो कितना ज्यादा अच्छा लगता है। आयरन मैन की लिफ्ट किट लगी हुई है और उसकी भी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख के आसपास है। ये जो इसकी स्प्रिंग्स है ये भी चेंज किए गए हैं, शॉकर्स चेंज है। इंडिया में जो जीप रैंगलर है इसके दो ही मॉडल्स आते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये टॉप एंड मॉडल है रूबीकॉन, और इसमें जो दूसरे वाला नीचे वाला आता है वो आता है लिमिटेड। उसमें कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। इस गाड़ी में आपको स्नॉर्कल दिख रहा है, बहुत सी गाड़ियों में देखा होगा, थार में भी लगा होता है, जिप्सी में भी। इसका आप स्नॉर्कल देखो, डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी ना ओवर नहीं लग रहा है कहीं से। ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी पे कोई चीज आपने एक्स्ट्रा लगा रखी है, ऐसा लग रहा है गाड़ी का पार्ट ही है। सारी जो एक्सेसरीज आती है वो बोल्ट ऑन आती है और काफी इजिली आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। हुड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिजाइन दिख रहा है, एयर इनटेक के लिए छोटे मोटे गैप्स और अग्रेसिव लगता है। हम साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ से आप गाड़ी का लुक देखो। इंडिया में जो है इसका ये लॉन्ग व्हील बेस वाला मॉडल ही आता है, बाहर आपने अगर देखा तो वो छोटे वाली भी आती है। अंदर इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ, इंटीरियर बाद में आते हैं, पहले बाकी सारी चीजें कवर कर लेते हैं। मेन चीज है इस गाड़ी में कि ये गाड़ी पूरी खुल जाती है। ये तो मेटल दिख रहा है ना आपको, ये फाइबर है, ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये हो गया, ये सारे खुल जाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये जो सारी चीजें हैं वो खुलती हैं सिर्फ ये आपको दिख गया। तो ये इसकी टूल किट है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी चीजें हैं और इससे इसका ये वाला पार्ट खुल जाएगा, ऊपर का खुल जाएगा, इवन की डोर्स भी खुल जाएंगे। आप ऑफ रोड के शौकीन आदमी हो तो यार रैंगलर आपने जरूर देख रखी है, तो उसको जो खोल देते हैं ना वो सिर्फ इतने से टूल से खुल जाती है। उसके बाद अगर हम आ जाए तो पीछे वाली साइड आप स्पेस देख रहे हो, ठीक है कुछ इस तरह से। बाकी इसका भी सेम सेटअप वैसा ही है जैसा थार में होता है, वैसे ही खुलेगी। और पीछे जो है स्पेस काफ़ी है, बाकी टोस्टर वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे अगर ये गाड़ी पूरी खुल जाएगी तो ये इसका जो अंदर का पार्ट है, और ये चीज़ जो है काइंड ऑफ रोल केज का काम करती है। कभी बनेगी बात तो आपको ये गाड़ी खोल के भी पूरी दिखाएंगे ऑफ रोड पे जब ऐसा कुछ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो यहाँ बनता ही नहीं है पॉइंट की गाड़ी को खोला जाए। जैसे आप ये सीट्स वगैरह देख रहे हो ना तो ये पूरी फोल्ड हो जाती है और वो बेड बन जाता है काइंड ऑफ, तो मतलब जैसे अगर आप कैंपिंग वैम्पिंग करते हो तो आप गाड़ी अंदर ही सो सकते हो। स्पेस देखो आप अभी भी कितना ज्यादा है, तो अगर सीट्स फोल्ड हो जाएंगी तो स्पेस और भी ज्यादा हो जाएगा। इसे अभी कर देते हैं बंद, यहाँ पे आपको वाइपर भी मिलता है। पीछे की साइड की अगर हम बात करें, मतलब कहा जाता है कि कौन सी लाइट आपने डलवानी है तो रैंगलर स्टाइल, तो ये ओरिजिनल वाली लाइटें हैं, ओरिजिनल डिजाइन है। एक और चीज है, जैसे आप ये दिख रहे हो ना 1 of 200 लॉन्च एडिशन, तो ये जो इंडिया में शुरुआती 200 गाड़ियां बनी है ना, ये गाड़ी उनमें से एक है, इसलिए ये अपने आप में एक स्पेशल है और लॉन्च एडिशन जो इस पर लिखा हुआ है। पीछे वाला बंपर है वो भी चेंज है, पे हुक भी आपको दिख रहा है रेड कलर में, अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैंने आपको गाड़ी का ना एक पूरा जो ओवरव्यू है वो दे दिया। जैसे आप ये वाली लाइट देख रहे हो तो ये भी साथ में ही आती है, जैसे आप एक गाड़ी
गाड़ी लेते हो तो उसको आफ्टर मार्केट कितना कुछ करवाना पड़ता है, तो इसमें वो सारी चीजें साथ में ही आती हैं। और यार इस गाड़ी का ना रिव्यू देने का एक मेरा मेन रीजन ये है कि मैं ना खुद भी इस गाड़ी को पास से देखना चाहता था, क्योंकि ऑफ रोड पे मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन एक पास से गाड़ी को डिटेल में देखना एक अलग चीज है। तो अपने एक्सपीरियंस के लिए भी मैं देखना चाहता था और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता था। ये जो इसके मिरर्स है, जैसे हमारे शोएब भाई की गाड़ी के शीशे अभी टूटे थे तो उन्होंने रेंगुलर स्टाइल जो है मिरर लगा रखे हैं, तो ये वो रेंगुलर स्टाइल ओरिजिनल मिरर है, प्लस इंडिकेटर भी इसमें मिलता है आपको। तो जी फिलहाल आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहली चीज जो आपके नोटिस में आ रही है भाई, गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हो। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि इस इंटीरियर के साथ किस चीज को कंपेयर किया जा सकता है। जो प्रीमियमनेस है ना वो आपको फील हो जाती है, और उसके बाद जैसे आप ऊपर वाली साइड देख रहे हो तो ये आपको गाड़ी यहाँ से इजिली खुल जाएगी, एंड ये यहाँ से वो आप स्क्रू खोल के इसको खोल सकते हो। बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इसका 4x4 का ऑप्शन आ गया, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, फ्रंट रियर के डिफरेंशियल लॉक्स आ गए आपके, ये कुछ स्वे बार का, ये भी मैं आपको ना भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं इसमें जो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑफ रोड के लिए ना, हमें ऑफ रोड का कोई भी ऑप्शन लगाने के लिए गाड़ी को रखना पड़ेगा। मैं जो 4x4 है उसको यहाँ तो पार्ट टाइम पे रखना है, यहाँ तो 4 लो पे रखना है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं इसकी यूएम्स पे। तो इसमें आप देख रहे हो काफी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, और ये अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है अपने टायर से हवा निकालने के लिए, रेत में फंस गई तो टायर में से ना अपने आप ही प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो टायर में हवा कम हो तो निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो हाँ ओके, मे बी लॉस्ट बट नेवर स्ट्रक। ओके, अभी जैसे कि ये पार्किंग में है ना तो यहाँ पे ट्रांसफर केस नहीं बताएगा। रियर एक्सल अभी अनलॉक्ड है, स्वे बार कनेक्टेड है, फ्रंट एक्सल भी अनलॉक है। जैसे हम इसको डी पे डालेंगे वैसे ट्रांसफर केस 4 लो पे आ गया। ओके, ये 4 लो पे आ गया। अब यही से हम अपने ऑप्शंस करते हैं शुरू। ये डिफरेंशियल लॉक्स, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे अगला टायर आपका स्लिप कर रहा है कुछ भी, ये चढ़ाई पर हो गाड़ी को जोर चाहिए पिछले टायर से, तो आपको ये रियर बताना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मेरी एक बार गाड़ी फंस गई थी पानी में, ठीक है, तो वो तो चलो जैसे टच हो गई थी, जैसे नहीं टच हुई होती तो वी हैव टू यूज दिस फ्रंट। ओके, दोनों लग सकते हैं एक साथ? नहीं, हाँ, फ्रंट और रियर लग सकते हैं, लिखा फ्रंट है। ओके ओके, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें सिर्फ रियर लगेंगे और दूसरा ऑप्शन है फ्रंट और रियर दोनों लगेंगे, मतलब सिर्फ फ्रंट का ऑप्शन ही है, फ्रंट का ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया इसके डिफ लॉक्स का, ठीक है। ये एक चीज है स्वे बार डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद उसका शॉट लेना। अब जैसे कि डिफरेंशियल की हमें जरूरत तो नहीं है, हम इसको करेंगे ऑफ। ओके ठीक है, अब स्वे बार डिस्कनेक्ट इन प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी तो लेवल पे नहीं है गाड़ी, तो एक बार अब जाके डिस्कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको गाड़ी करनी पड़ेगी लेवल पे। लेवल पे अभी यहाँ पे स्वे बार डिस्कनेक्ट है। ओके, ये आपको दिख रही है। और स्वे बार क्या चीज है वो हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिख गया, एंड पावर विंडोज के ऑप्शन आपको बीच में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी के डोर्स हैं जो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, पानी अंदर भी है, कुछ नहीं, कोई पूरा पैक है, ये सारा पैक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने गाड़ी खोल भी दी है तो बारिश से हम ही गीले होंगे, बाकी गाड़ी को कोई। ओके ओके, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। और बाकी अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें हमें ये व्हीकल इन्फो है, यहाँ से टायर प्रेशर चेक कर सकते हो, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रांसमिशन टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ऑयल लाइफ दिखा देगा, और वोल्टेज बैटरी की। जैसे वहाँ पे शो कर रहे ऑफ रोड पेजेस में वैसे आप अपने सामने भी देख सकते हो, बस बाकी नॉर्मल फीचर्स हैं। प्रेजेंट देखो यार गाड़ी का, ये जो अभी आप गाड़ी में इतना फ्लेक्स देख रहे हो ना, जो इतनी आर्टिकुलेशन हो रही है, ये स्वे बार इस टाइम डिस्कनेक्टेड है, इसलिए ये देख रहे हो आपकी टायर में कितना गैप आ चुका है। यहाँ से अभी ये देखो, यहाँ से ये टायर बिल्कुल ऊपर है, एंड यहाँ से ये कितना फ्लेक्स है। तो ये होता है स्वे बार का फर्क, ठीक है। अब एक बार स्वे बार कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या है कि पहले इसे बराबर जगह पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है स्वे बार कनेक्टेड, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने स्वे बार डिस्कनेक्ट करी थी तो ये टायर बिल्कुल यहाँ ऊपर तक आ गया था, और अभी देखो इसमें कितना गैप है। और दूसरे साइड वाला टायर भी जो है वो भी आप देखो उतना फ्लेक्स नहीं है उसमें, क्योंकि वो ऑटोक्लेशन में ऐसे ऐसे करेगा पूरा। तो ये फर्क है। और ये यहाँ पे ना आपको ट्रेल रेटेड दिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फुल्ली लोडेड ऑफ रोड कैपेबल गाड़ी है कंपनी की तरफ से। इसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ये बैज ना एक मार्क है उस चीज का कि हाँ भाई ये गाड़ी है फुल्ली प्रिपेयर्ड। आपको एक बारी पीछे का भी अंदर से दिखा देते हैं, एंड रोल बार आपको हर जगह अंदर मिली रही है, एंड पीछे भी, मतलब सीटिंग का दिखाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेन था जो इसकी ऑफ रोड की बात है वो।
एक और चीज इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस गाड़ी में आपको इंजन दिख रहा है V4 2.0 लीटर इंजन। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से इसका इंजन उतना पावरफुल नहीं है, रीजन बीइंग कि भाई BS6 नॉर्म्स की वजह से इसका जो बड़े वाला इंजन है वो पास नहीं होता है, जिस वजह से इस गाड़ी का इंजन छोटा कर दिया गया और ये गाड़ी उस वजह से थोड़ी सी टर्बो चार्ज्ड। तो इसमें पावर ज्यादा है ही है, लेकिन अगर बाहर की उससे रैंगलर से कंपेयर करें, जो ऑब्वियसली जो V6 होगी उसमें ज्यादा पावर होगी अगर हम उससे कंपेयर करते हैं, अदरवाइज तो इसमें पावर का कोई वैसा इशू नहीं है। तो जी आज हमने आपको जीप रैंगलर रूबीकॉन का फुल रिव्यू है वो दे दिया है। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना कि रीजन क्या है, सब लोग कहते हैं कि भाई रैंगलर होने के बावजूद भी ये फंस जाती है, मतलब थार के साथ इसे सीधा सीधा कंपेयर किया जाता है। तो भाई देखो, पहली चीज तो ये कि इस गाड़ी का थार के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो प्राइस पॉइंट हो और जो बाकी सारी एक्सेसरीज है। इसका ये मसला नहीं होता कि हम थार के खिलाफ हेट करते हैं, वो इंडियन गाड़ी है, वो बात नहीं है। इस गाड़ी को लेके ना कभी भी एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। अगर इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद आपको ये गाड़ी 2 महीने सर्विस पे लगा देनी पड़े जस्ट बिकॉज कि आपको वो 2 मिनट का फन करना था ऑफ रोड पे, तो वो बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनता। वो एक रीजन है कि इसे इसकी लिमिट्स तक पुश नहीं किया जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी उस हिसाब से सर्विस और वो सारी चीजें नहीं। और वैसे भी इसकी अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो इसकी एक बार की सर्विस भी लगभग 1-1.5 लाख रुपए में होती है। जिस दिन ये गाड़ी पहले दिन ऑफ रोड पे आई ना, उस दिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो उस दिन से मुझे बुरा लगना शुरू हो गया कि भाई इस गाड़ी के बारे में ऐसा बोला जाता है, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी अब इसका जो ऑफ रोड रिव्यू है वो हम कभी आपको ऑफ रोड लोकेशन पे जाके आराम से देंगे। आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स अंतरिक्ष भैया, एंड बाकी नेक्स्ट ऑफ रोड की अगर डिमांड आएगी तो बहुत जल्द आपको इसके साथ ऑफ रोड भी करके दिखाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। हाँ, बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, चार जन